नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुबह के बज चुके हैं 6 और चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। आज जाएंगे हम चित्रकूट, यहां रास्ते में रोक लिया था चाय के लिए। अंकल कितनी बार पियोगे चाय? दो तीन पर वो धर्म है। चाय में क्या कमी है? 5 रुपए का कप है, छोटा कप है, बिस्कुट भी नहीं डूब सकता, फैन की तो बात ही अलग है। चाय मस्त है, चाय मस्त है भाई की, चाय मस्त है। ये सारे बिस्कुट आप खाओगे के? के कहना आपने अपने पोते के बारे में? के कहना पोते के बारे में करना सा, अब मैं बहुत बड़ा खा रही हूं, तो ये क्या बता कर दे ही के ले और गिलास से मचा सो गिलास से मुकर बात की मुंह लगा ले जी। आंटी का पोता कह रहा था कि भूखी ना रहिए, इस गिलासी में चाय पिए, तो भाई ये गिलासी में चाय पी रही आंटी, और ये बिस्कुट देख लो कितनी तरह के बिस्कुट गिला, और भाई बिस्कुट मट्टी फैन और टाइम पे खाओ है भाई, चिंता मत करिए। एसी आंटी नु गए एसी में सोवे, बैसे एसी चलो चलो चलो। एसी के नाम पे धोखा हो रहा हमारे साथ, जितनी बार भी एसी लिया है, एसी रूम लिए, लेकिन हर रूम में एसी नहीं चला है। एसी के नाम पर धोखा, एसी के पैसे और चलता ना पंखा भी। सभी ने चाय नाश्ता ले लिया है और फिर चल पड़े हैं हम चित्रकूट की तरफ। पहुंचने वाले हैं हम चित्रकूट, तो रास्ते में रुके हैं चाय नाश्ते के लिए। ये गुजिया का मजा और एक नंबर की गुजिया अंकल ने खा ली है। अच्छा, गुजिया खाने के बाद पकोड़े का अलग ही मजा होगा, मीठा खाने के बाद नमकीन खाएंगे तो बताओ। खा लिया अक्सर? हाँ भाई खा लिया। कैसे पकोड़े लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, पेट ना भरा पर। अच्छा, मतलब पेट भर गया, नियत नहीं भरी? खा लो, इन पेट ना भरा। अच्छा, पेट भी नहीं भरा है? क्या क्या ना नियत भर रही ना पेट भर रहा। अच्छा, खाए जाओ खाए जाओ, अनलिमिटेड खा लेना, तू क्यों बैठी आराम से। आंटी कैसे? बहुत स्वाद है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या खाओगे? पेट भर गया भाई। आपने क्या क्या खाया ये बताओ। ये खाया, ये क्या? गुजिया, मीठी वाली गुजिया, और उसके बाद फिर मीठी ये फ्रूटी पकोड़े नमकीन। चलो बहुत मजा आया। नाइस ब्रेक एंड स्वीट्स, स्वीट और गुजिया, प्यारी गुजिया और पकोड़े और क्या ब्रेड पकोड़ा, हाँ। छोटी छोटी पकोड़ी, मजा आ गया। दाल की पकोड़ी, दाल की पकोड़ी, बड़ा मजा आ गया, हाँ। सारी थकावट दूर। तो गाइज पहुंच गए हम चित्रकूट हनुमान धारा, यहाँ पर दो रास्ते, यहाँ पैदल भी जा सकते हो और उड़न खटोले यानी कि रोपवे से भी जा सकते हो। तो रोपवे की टिकट है 145 रुपये आने जाने की, और वैसे सीढ़ियों से जाओगे तो 600 कितनी है भैया सीढ़ियाँ? 618 सीढ़ियाँ हैं मेन मंदिर तक की, और उसके बाद सीता रसोई है, 750 वहाँ तक 750 सीढ़ियाँ हैं। तो जैसे भी मर्जी जाना चाहो जा सकते हो। सीता रसोई क्या महत्व है भैया? सीता माता ने 5 ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया था। अच्छा, क्यों, कौन थे वे 5 ऋषि? ये भैया कह रहे हैं कि सीता माता ने 5 ऋषि मुनियों को वहाँ भोजन खिलाया था, इसलिए सीता रसोई के नाम से फेमस है वो जगह, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ से आप रोपवे की टिकट ले सकते हो, 145 रुपये अप डाउन की टिकट है,
आंटी ने ले ली टिकट? हाँ, ले ली भैया। आंटी कह रही हाइट से थोड़ा डर लगता है, पर डरने की जरूरत नहीं है, बजरंगबली महाराज सब कुछ ठीक करेंगे और आंटी भी हमारे साथ जाएगी, हम इनके साथ जाएंगे। ले ली टिकट? हाँ भाई, ले ली। ले ली टिकट? सभी ने टिकट ले ली है। हम 18 बंदे हैं और सब ने यही डिसाइड किया कि पैदल में ज़्यादा समय लगेगा और हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि और भी काफ़ी मंदिर देखने हैं, काफ़ी धूप है, इसलिए हमने सब ने टिकट ले ली है उड़न खटोले की, रोक देगी और अब चलने के लिए सब तैयार है। नहीं? यस ब्रो। ये हमने यहाँ टिकट दिखा दिया, चेकिंग हो गई है यहाँ पे हमारी। एक चलो गाइस, बैठ गए हम रोप वे में। आंटी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आई से डर लगता है। मैं कभी इधर की फ्लाइट में नहीं बैठी, रेल का पूरा मार कभी नहीं। तो आज आंटी का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता है। पहली बार आंटी उड़न खटोले में बैठी है, फ्लाइट में भी कभी नहीं बैठी, ये इनका पहला एक्सपीरियंस है फर्स्ट लाइफ का, तो देखते हैं कैसा रहता है आंटी। वैसे हम हनुमान धारा एक धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, हनुमान जी का नाम लो सब कुछ ठीक होगा। बोल बजरंग बली महाराज की। तो ये हमारे साथ अंकल आंटी एक और भी है, मथुरा से आए हैं लोग। तो आपको भी डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता डर? डरना भी नहीं चाहिए। पहले भी चढ़े हो आप इस पे? हाँ जी। जिंदगी और मौत का कोई पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो डरना किसे? तो जिसको विश्वास है डरना, डरना मना है। जब आ जाए हम तो आप ही आ जाए। जो आपका जोड़ा है वो साथ है, डरने की क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल, डर के आगे जीत है। बोल सच्चे दरबार की जय। देखो जी, धाम है अपना परिवार, अपना घर, अपनी मातृभूमि, उससे बड़ा धाम कोई नहीं है। साथ तो कोई नहीं जाता, लेकिन धाम उससे बड़ा कुछ नहीं है। जहाँ आप पैदा हो गए वही सबसे बड़ा धाम। तो गाइज हम पहुंच गए हैं, थोड़ी बहुत तो पैड़ी अभी भी चढ़नी पड़ेगी, सीता रसोई तक जाना है तो पैड़ी चढ़नी पड़ेगी। तो गाइज पहुंच गए हम हनुमान धारा और ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देख हनुमान जी बैठे ऊपर। आजाद और आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल तेरे बंदे। तो ये सीढ़ियाँ हैं सीता रसोई के लिए और ऊपर है सीता रसोई, अभी हम पैदल जाएंगे वहाँ। गाइस नंगे पैर है, पैर जल रहे हैं, बिल्कुल गर्म है क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया है, आंटी थक गई है। थक गए क्या? थक गए क्या? आ जाओ फिर, थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लिया, काफी हाइट पे एक्चुअली। ये सीता रसोई प्रवेश द्वार। इंजीनियर साहब ने दिया, जाओ हे माँ जी। हरियाणा से आके 100 रुपया दिया। सीता माता है, बोल सीता मैया की जय। पूरा करो, बच्चे है माता की, यही बच्चा भैया ने 1 रुपया दिया। आपका जाना भाई।
ये झूला झूला है सीता मैया का झूला। हाँ क्या करते हैं आप? और भी तुम्हारे कई जगह चढ़ाने हैं। बहुत बुरा हाल है, एक जगह नहीं है बहुत जगह। गाइस यहाँ के सिस्टम का ही पता नहीं लगा, कम से कम 10 या 12 जगह पे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है कि यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए मंदिर के अंदर। अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चढ़ावा चढ़े वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा ही गदर है, कुछ बार बार हर जगह रोक रहे हैं। एक यानी कि 2-5 मिनट के रास्ते में इन्होंने 15 बार रोक लिया चढ़ाने के लिए, गलत है। गाय जी 5 ऋषि मुनि थे जिनको सीता मैया ने भोजन कराया था यहाँ, तभी सीता रसोई के नाम से ये फेमस जगह है। आप देख सकते हैं ये 5 ऋषि हैं जिनको सीता मैया ने भोजन कराया था। नहीं यहाँ हर जगह रोक रोक के आपसे दान लिया जा रहा है, वो क्या आपको अच्छा लग रह गया? दान आंटी का कहना है कि दान अपनी इच्छा के अनुसार होता है, हम कितना भी दें लेकिन ऐसे गुप्त दान होता है, बोल के लेना इतना ही देना पड़ेगा वो गलत है। और बाकी कई जगह पे दान लिया जा रहा है, तो एक एक सीता रसोई पे कम से कम 15 से 20 जगह पे इन्होंने दान लिया है और ज़बरदस्ती से काम करते हैं ये। होगा जी होगा। चाय पकौड़ों का फुल प्रोग्राम है यहाँ पर, जरूर बनाएगी तेरी, जरूर बनाओगे इसकी, बनाओ जना बनाओ। देखिए खा के देखते हैं कैसा है। वाह भी टेस्टी है, बहुत टेस्टी पे रहे। तो नमक डालना है? हाँ नमक, काला नमक। कैसे हैं? एक नंबर का, दिखा के देखो। अच्छा जो हमारे वहाँ छोटे वाले सूखे बेर मिलते हैं ना, उसका बड़ा साइज है ये। हजमोला चूरन खाते हैं ना। हनुमान धारा, और जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो उनकी पूछ में आग लगी हुई थी और आग को उन्होंने समुद्र में बुझा लिया था, बट उनकी जो जलन थी आग की वो मिट नहीं पा रही थी। तो उन्होंने श्री राम जी से रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा कोई स्थान बताए या ऐसे कोई जगह बताए जहाँ हमारी जलन पूछी कम हो सके। तो श्री राम जी ने हनुमान धारा जो ये यहाँ पर तीर मारा था, तीर से उन्होंने एक धारा निकाली थी जिससे हनुमान जी की जलन खत्म हो गई थी। तो ये वही जल है, शीतल जल है, इससे किसी भी तरह का शरीर का कष्ट, कोई भी चरम रोग है वो दूर हो जाएगा। आप यहाँ इस पानी को, बहुत ही शीतल जल है, आप इसको पी सकते हैं, आप इसमें नहा भी सकते हैं। तो ये है हनुमान धारा। तो गाइज हमने आपको दर्शन करा दिए हैं हनुमान धारा के और सीता रसोई के। तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।